नमस्कार भाई। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ सब ठीक होंगे, खुश होंगे और भाई बढ़िया होंगे। तो भाइयों, कुछ दिनों से मैं आ नहीं रहा था, मैं आऊँगा भी नहीं अभी अभी मैं अर्जेंट आया हूँ और मेरे कॉलेज के एग्ज़ाम हैं, तो मैं उनकी तैयारी कर रहा हूँ, पढ़ाई हुई है। और दूसरा, मेरे एग्ज़ाम देने मुझे यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर भी जाना पड़ता है, तो इसलिए परेशानी होती है और पूरा दिन ख़राब होता है। तो मेरे को इसलिए मैं आता नहीं हूँ इतना जल्दी जल्दी, एग्ज़ाम आ रहे हैं, पेपर हैं, तो मैं आऊँगा आपके। अभी तो मैं अभी आया हूँ, लेकिन वैसे मैं आपके लगभग देखते हैं 5, 10, 15, 20 दिन जितने दिन बाद आऊँगा आऊँगा। तो भाइयों, मैं इसलिए आया हूँ कि हमारे जो कुंवर जी थे वो वीडियो बना रहे थे ओमान से इस वीर कुत्ते के ख़िलाफ़, और अब उनकी वीडियो नहीं आ रही थी, मुझे कुछ कल परसों हो जाने कितने दिन पहले मालूम चली उनकी वीडियो नहीं आ रही है। उसके बाद ये जो पाकिस्तानी कुत्ते हैं ये भौंकने लग गए कि कहाँ है कहाँ है। पहले तो ये कह रहे कहाँ गया, उसके बाद इनको पता नहीं कहाँ से उस आया, फिर वो कह रहे हैं हमने पकड़वाया है उसको, अब देखो उसके साथ क्या होता है, अब उसका ये करेंगे, तुम हमारे शेरिंदु सुरेश भाई को भेजो, उपदेश राणा भाई को भेजो। ऐ तू, ये साले चूतिया के पट्टे पाकिस्तानी, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि यार इनने क्या खा के ये पैदा हुए हैं। पहली चीज़ तो ये है भाइयों कि हुआ क्या है, मैं आपको बताता हूँ। मुझे बहुत सारी चीज़ें मैंने रात को सर्च की कि इनने एक बात कही थी कि अरब देशों के आपकी आपको रूल नहीं पता है। मैंने रूल सर्च किए कि क्या क्या कैसे कैसे है, मैंने सब कुछ देखा है। उससे मुझे मालूम चली है कि इनके जो अरब देश हैं, जैसे सऊदी अरबिया या फिर कोई भी यूएई और जो भी अरब देश हैं जहाँ पे मुस्लिम्स रहते हैं, तो इस्लामिक देश हैं, तो उसमें क्या है, उनमें रूल बने हुए हैं कि उनके कोई भगवान के ख़िलाफ़, उनके कोई अल्लाह के ख़िलाफ़ कोई गलत नहीं बोलेगा। लेकिन तो यही इनने कराए, और इनकी औकात तो है नहीं हमारे जो वो हैं कुंवर जी को पकड़ने की या उनको छूने की। इनने एक चाल खेली है, इनने क्या किया है, इन्होंने पहले तो हमारे कुंवर जी वीडियो बना रहे थे, अब इन्होंने सोची अब हम इसको फंसाए कैसे, तो इसलिए इन्होंने वहाँ की सरकार से, ओमान की गवर्नमेंट से FIR दर्ज कराई है। वहाँ के जो पाकिस्तान में वो पाकिस्तानी रहते होंगे ओमान में, FIR करा के उनको पकड़वाया है कि इन्होंने हमारे भगवान के बारे में ऐसे ऐसे गलत बोला उनको, और उनको शायद मेरे ख्याल में पकड़ लिया गया है, इसलिए उनकी कोई वीडियो नहीं आ रही है। अब मुझे रूल तो कुछ ऐसा मैंने देखे नहीं है, ध्यान से नहीं देखे हैं, मेरे को बस इतना पता है कि उसमें फिर सज़ा होती है, लेकिन अब देखते हैं। लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि इनकी औकात नहीं है हमारे भाई को, दूसरी चीज़ ये है कि इनकी औकात नहीं है हमारे भाई को पकड़ने की, हमारे भाई से कुछ कहने की। लेकिन इन कुत्तों ने वहाँ की सरकार, वहाँ की पुलिस से भाई को पकड़वा दिया। इसलिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ इंडिया के यूट्यूबरों से और जो भी हैं इंडिया में जो अरब देशों में जाते हैं उनसे भी बात कहना चाहता हूँ। देखिए, किसी भी प्रकार से अगर आप कोई सा पाकिस्तानी को या फिर किसी को भी बांग्लादेशी को, किसी को भी कोई चैलेंज कर रहे हैं कि मैं आ रहा हूँ मैं आ रहा हूँ, इन कुत्तों की आप बातों में ना आए, क्योंकि ये साले सूगर, इन पे कुछ तो होता नहीं है। तो ये क्या करते हैं, अगर आप इनके खिलाफ़ बोल रहे हैं तो ये अपने धर्म के ऊपर आपको लपेटेंगे, और उसके बाद आपका क्या करेंगे, आप जिस अरब देश में, पहली बात तो ये आपको कभी भी कोई ने भी, मैंने पाकिस्तानी कुत्ता नहीं देखा यूट्यूबर जिसने यूँ कही हो कि आप लोग लंदन आ जाओ या कोई ईसाइयों के देश में जाओ, क्योंकि इनको पता है हमारी नहीं चलेगी, हमारी गांड कुटेगी। तो इसलिए ये क्या करते हैं, ये करते हैं आपको अरब देशों में, क्योंकि इनको पता है अरब देशों में पाकिस्तानी काम करते हैं, वहाँ पे वहाँ की जूतियाँ चाटते हैं, जो वहाँ के अरबी लोग हैं मुस्लिम्स उनकी पाकिस्तान के लोग जूतियाँ चाटते हैं, तो इसलिए इनको पता है। और जब ये जूती चाटेंगे तो वो इनकी हेल्प भी करेंगे, तो सीधी सी बात है। और जैसे ही आप वहाँ पे जाओगे तो ये आपको छुएंगे नहीं, ये आप पे केस करेंगे कि भाई इन्होंने हमारे उनके बारे में बोला है या फिर ये मुझे मारना चाह रहा है, तो सीधी सी बात है, फिर आप फंसोगे। तो मेरा यही कहना था अपने यूट्यूबर भाइयों से और वहाँ के जो जो इंडिया के जो लोग काम करने जाते हैं उनसे, कि आप किसी भी प्रकार से अरब देशों में इन पाकिस्तानी कुत्तों को गें, गाली दें, खूब बोलें, लेकिन किसी भी धर्म को, इस्लाम धर्म को टारगेट ना करें, क्योंकि वो सीधी सी बात है वो भी एक इस्लामिक कंट्री है, तो इसलिए आप ऐसा ना करें। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ से अगर आपको कोई बुलाता है
पाकिस्तान ने फोन, मतलब इंडिया के यूट्यूबरों को, दम है तुम वहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ, तो उससे यूँ कहें कि तू नेपाल में आओ, तुम भूटान में आओ, तुम श्रीलंका में आओ, ठीक है ना, क्योंकि ये भी तो देश है यार, तुम चाइना में आओ, क्योंकि ये इस्लाम देश नहीं है, ये वैसे देश है, ठीक है ना, तो इसलिए तुम यहाँ पे आ जाओ, अगर तुम इंडिया में नहीं आ सकते तो मॉरिशस में आओ, तो ये जो देश है ना, या फिर तुम लंदन में आओ, ऐसे आप बुलाओगे, अगर आप अरबों देशों में बुलाओगे तो अरब के कानून अभी इंडिया के ज़्यादातर लोगों को पता नहीं रहता है, तो उसमें फिर, और ये कुत्तापन अपना देते हैं पाकिस्तानी, इनको पता है कि हम तो सीधे गिड़गिड़ाते हुए अरबों की सरकार के पास जाते हैं, जो अरब देश हैं उनकी गवर्नमेंट के पास जाते हैं रोते हुए, और वहीं से भीख लेते हैं। अभी पाकिस्तान को सऊदी अरब से भीख मिली है, और ये ऐसे भिखारियों के चौदह, ये जो अरब देश इनकी चला रहे हैं, इनका पाकिस्तानी पुल, पाकिस्तान बिल्कुल ख़त्म देश है, लेकिन क्या होता है कि इनका जो अरब है ना, सऊदी अरब और ये, तो ये सब इनके देश को चला रहे हैं, एक तरीके से घसीट रहे हैं, तो इसलिए ये उनकी गिड़गिड़ गिड़गिड़ उनकी जूत उनकी जूतियाँ उनकी गाने चाटते हैं, उनकी गाने धोते हैं, तो इसलिए सीधी सी बात है, वो धोएंगे तो थोड़ी बहुत तो वो मदद करेंगे ही, तो यही बात है कि कुंवर जी शायद अभी ओमान की गवर्नमेंट के पास हैं, और मैं कहना चाहता हूँ कोई इंडिया का यूट्यूबर हो तो उनसे कांटेक्ट करो, और कोई इंडिया का अगर ओमान में लोग हों तो आप उन्हें निकलवाएं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा, पैसे दे के अगर जुर्माना होता है तो आप दें, मिलजुल के दें, सारे इंडिया के जो ओमान में रह रहे हैं सब मिलजुल के दें, अगर वो गवर्नमेंट के माही पर ही, क्योंकि उनको कोई हाथ लगाने वाला अभी तक पैदा नहीं हुआ है कुंवर जी को, हमारे कुंवर जी को, और हाथ लगा भी नहीं सकते ये पाकिस्तानी कुत्ते, तो भाई इसलिए मेरी वीडियो थी, और मैं चलता हूँ, भारत माता की जय, वंदे मातरम।